आज हम आपके पास आए हैं एक और विदाउट के साथ। आज हमने अपना सफर स्टार्ट किया है कपूर रोड से। जो सबसे पहला मजे का स्पॉट आता है वो आता है जी इलियासी मॉस्क। यहाँ के पकौड़े बहुत मशहूर हैं। यहाँ पर देखते हैं बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, बहुत ही प्यारी जगह है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी इलियासी मस्जिद बताते हैं, यहाँ के पकौड़े मशहूर हैं वो आपको बताते हैं। आज हम चलते हैं पकौड़े वगैरह देते हैं, फिर आगे आपको अपडेट करते हैं। साथ साथ जाएंगे आज हम नथिया गली तक, जो कि एक मशहूर स्पॉट है। नथिया गली में भी आपको साथ साथ हम बताते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये इलियासी मस्जिद के मशहूर पकौड़े हैं। बहुत सारे पकौड़ों की शॉप्स हैं यहाँ की। ये पकौड़े समोसे मशहूर हैं, ये डिश है, तो हम भी यहाँ से लेते हैं, ट्राई करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, किस तरह किलो लगाए हैं? 180। एक किलो देना, आलू वाले मिक्स डाल दें। ये भाई हमारे लिए पकौड़े बना रहे हैं, आप देखो थोड़े से प्यासे। यहाँ पर आपने इनको चटनी के लिए लाजमी बोलना है। भाई जान चटनी भी डालिएगा साथ। 200 दे आलू, 200 दे प्याज। ये गाइस अभी पकौड़े तो हमने ले लिए, अभी आपको थोड़ी सी इलियासी मस्जिद दिखाते हैं। बस साइड पे आपने निकलते हैं, ये रास्ता नथे गली को जाता है और वो साइड रास्ता एबटाबाद या फिर मंडिया वाली साइड से आता है। ठीक है, तो आज यहाँ पे थोड़ी सी इलियासी मस्जिद बताते हैं। ये गाइस उस साइड से है बड़ी वाली, लेकिन ज्यादातर लोग यूज करते हैं, तो हम भी आज इसी से छोटी सी पूल टाइप जगह है, यहाँ पर लोग वजू वगैरह बनाते हैं। ठीक है, और इलियासी के बारे में मशहूर है कि यहाँ के पानी में बरकत आ जाए। वजह से पानी नहीं बह रहा, से आपको पानी बहता हुआ मिलता है इस जगह से, लेकिन आज आई डोंट नो क्यों, लेकिन वो पानी नहीं बह रहा। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है, समझा जाता है। ये एक दरसगाह भी है, यहाँ पर दीन भी सिखाया जाता है, और साथ ही साथ इस जगह पर यहाँ के पानी की वजह से, बरकत वाले पानी की वजह से लोग यहाँ पर आना भी पसंद करते हैं। इसी वजह से यहाँ की चहल पहल की एक बड़ी वजह है। आज हम आपको थोड़ा सा मस्जिद के अंदर से दिखाते हैं, फिर हम निकलते हैं आगे रास्ते में आपको अपडेट करेंगे। गाइस ये मस्जिद का हमने बता दिया आपको मस्जिद के बारे में, अभी हम यहाँ से अपना सफर आगे बढ़ाते हैं। तो हमने कितने वाली साइड जाना है, तो हम उस वाली साइड पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप मरी, नथिया गली, खंडियानी, मुजफ्फराबाद, बहुत सारे रास्ते इस तरह से लगते हैं, तो हमने उसी साइड पे जाना है, साथ साथ आपको बता सकते हैं। तो अभी सामान वगैरह पकड़ लिए है, चले आगे बढ़ते हैं। चेयर लिफ्ट और बच्चों का फन लैंड पार्क बहुत सी मशहूर है, लेकिन हमने जैसे गली जाना है तो इसलिए हम यहाँ से कोई भी डाइवर्जन नहीं लेंगे, हम सीधा जाएंगे। ठीक है, आज गाइस वो रोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, ये एक छोटा सा चौक है, छोटे छोटे गली मोहल्ले वाले चौक है, लेकिन मैं आपको कम्प्लीट गाइड करना चाह रहा हूँ। यहाँ से भी आपने राइट लेफ्ट नहीं होना, यहाँ से भी आपने बिल्कुल सीधा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आ जाता है जी कड़ी पन्ना चौक, मेरी सा नाम है कड़ी पन्ना चौक। ठीक है, तो इस ये चौक क्रॉस करने के बाद आप हो जाएंगे जी मरी।
से आ रहे हैं अगर आप इस तरफ देखते हो इस साइड पे, ये जो अगर आप कराकोरम हाईवे से आए तो वहाँ पर जो मरी चौक है उधर से अगर आप सीधा सीधा आए तो फिर भी आप इसी जगह पर पहुँचेंगे, लेकिन हम इनर सिटी से आए हैं तो इसलिए हम कड़ी बना चौक में से आके मरी रोड पे पड़े हैं। उसके बाद थोड़ा सा आगे आए तो अक्सर लोग खंडियानी वगैरह सिरन वगैरह इन जगहों पे जाते हैं तो वो भी डाइवर्शन यहाँ पर ही है। तो मैं आपको बताता हूँ इसी रोड पर थोड़ा सा आगे आने के बाद ना ये सामने आपको चौक नज़र आ रहा होगा, सही है? तो ये है खंडियानी का रास्ता। अगर यहाँ से आप सीधा जाएंगे तो वो रास्ता जाता है नथे गली और मरी को, और यहाँ से अगर आप लेफ्ट हो जाएं तो आप खंडियानी सिरन गोई और इवन के अगर रफ सा पैच है लेकिन मुजफ्फराबाद तक भी वो बीच में से रफ सा पैच होकर जाता है, ठीक है जी। चले अब अगर रास्ते में कोई मजे की जगह आती है, कोई सीनिक व्यू आता है तो मैं आपको बताता हूँ। बाकी इसके बाद जो अगला स्पॉट है वो है हमारे पास हरमई, तो मिलते हैं हम हरमई। अब गाइस ये अभी इन्होंने एक नया रास्ता निकाला है मुंबई के टूरिस्ट के लिए ना, जो टूरिस्ट बाहर बाहर से आके प्रभात में नहीं आना चाहते, डायरेक्ट मरी नथे गली या फिर इस तरह के इलाकों में जाना चाहते हैं, सही है, लेकिन वह प्रभात को बाईपास करना चाहते हैं। तो हवेलिया से इस जगह तक, सही है, हवेलिया से इस जगह तक यहाँ पर एक नया बाईपास निकाला गया है, ये मैं भी आपको बताता हूँ। ये सामने राइट साइड पे अगर आपको नजर आ रहा होगा वो सामने, इस पॉइंट पे आ सकते हैं इस बाईपास के यहाँ पर ये राइट पे लादा हो रहा है। ये गाइस आप देख सकते हैं रास्ते में ये एक जगह आती है, यहाँ की केबल कार मशहूर है, ये पिकअप गाड़ी का जो बैक वाला हिस्सा होता है ना उसकी इन्होंने एक डोली सी बनाई हुई है जो चलती है जी इस जगह से वहाँ तक रोड की उस साइड तक वो पार। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें मैंने तो जूम किया हुआ था, अगर मैं जूम आउट करूँ तो ये देखें कितना दूर जा रही है और नीचे बिल्कुल सीधी खाई है, सही, कुछ भी नहीं है नीचे, खाई है सीधी और ये इतना दूर सिर्फ इन तारों के सहारे पे जा रही है। देख वो सामने वो देखें, बहुत बड़ा दिल चाहिए इसमें बैठने के लिए। जिनको दिल मजबूत हो वो लोग यहाँ बैठ जा सकते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं, थोड़ा टाइम वहां से आगे नीचे चले चले। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं हरनो, बहुत ही प्यारी जगह है ये, सामने नीचे हरनो की बैठक है, छोटी सी झीलें ने बनाई हुई है रेस्टोरेंट एंटरटेन करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए सामने झूले वगैरह भी लगे हुए हैं, पानी वगैरह यहाँ पर साफ बह रहा है, नाव आ सकते हैं इसमें इंजॉयमेंट करने के लिए, फैमिली के साथ पिकनिक मनाने के लिए। चले आगे बढ़ते हैं, अभी हमारी चलते हैं नथे गली, तो आपको साफ सब बता दें। ये गाइस अभी हम हरनो से निकल आए हैं, सही है जी, हरनो से अभी आगे नथे गली जाना है तो सीधा यही रोड पकड़ के हमने जाना है, तो पहले नथे गली आएगी उसके बाद फिर मरी आएगी। चले जाते हैं, जो थोड़े से प्यारी पैचेस रास्ते में आते हैं, बल्कि सारी जगह खूबसूरत है लेकिन वीडियो लंबी ना हो इसलिए अगर प्यारे प्यारे थोड़े से सिनेमैटिक आपको रास्ते में दिखाएंगे।
भी हुसन से माला माल बनता, ग्रीनरी, मौसम, ठंडक, हर चीज यहाँ पर बहुत प्यारी है। यहाँ से आप साइड से नीचे उतर के जा सकते हैं, बहुत खूबसूरत जगह है वो भी। कम लोगों को इस जगह का पता है, लेकिन अभी जिन लोगों को पता है वो आए। चले हम फिर आगे बढ़ते हैं, अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। चल रहा है और यहाँ पर मुझे ठंड लग रही है, सही है, इतना मौसम का फर्क है।
जुलाई चल रहा है और यहाँ पर अब सर्दी हल्की सर्दी फील हो रही है रात में उस तरह की सुबह नीचे आप गली के बाजार के पास जाके वहाँ पर आप